नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम जो कि अप्रैल में होना था, या अप्रैल में होना है मतलब, और वो आपका एग्ज़ाम 6 तारीख से स्टार्ट है। तो उसमें बहुत सारे बच्चों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए और मेरे पे बहुत सारे कमेंट आ रखे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दी जाए। तो वैसे आपको सिंपली करना कुछ नहीं है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो, वो भी ऑफिशियल वेबसाइट से। तो आपको सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र पर जाना है, या किसी भी ब्राउज़र में आप जा सकते हैं। देन वहाँ पे आपको लिखना है NISPYQ, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया। देन गाइस आपके सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पे द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपनिंग स्कूल आ गए, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, देख सकते हैं NIS.ac.in। तो यहाँ पे आ गया है क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन अकेडमी। तो यहाँ पे मैंने सिंपली इस पर क्लिक किया, ठीक है गाइस। तो आप कुछ देख सकते हो, यहाँ पे आपके सामने आ चुका है, ये लिंक आ चुकी है। अगर आप 12th में हो या आप 10th में हो, तो आप अपने हिसाब से डाउट कर लेना। तो जैसे मैं आपको 12th का डाउट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे लिखा है सीनियर सेकेंडरी क्वेश्चन पेपर ऑफ अप्रैल 2023 एग्जामिनेशन, तो मैं इस पर सिंपली क्लिक करूँगा। तो इसमें आपके सारे 2023 के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे वो सारे आ जाएंगे 12th वालों के लिए। और अगर आप 10th में हैं, तो आप सिंपली उसके नीचे वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा है सेकेंडरी क्वेश्चन पेपर अप्रैल 2023। और अगर आपको 2022 का चाहिए, तो आप उसके नीचे और लिंक है। अगर आपको 21 का चाहिए, तो 21 का भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना गाइस। और 19 का भी मिल जाएगा आपको, 20 का नहीं है। तो आपके सामने 17, 18, 19 आपको जौन सा भी क्वेश्चन पेपर चाहिए, आप सिंपली इस लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। तो चलिए मैं आपको 2023 का डाउनलोड करके दिखाता हूँ। तो सिंपली मैंने फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर दिया, जो है सीनियर सेकेंडरी क्वेश्चन पेपर ऑफ अप्रैल। तो गाइज यहाँ पे क्लिक करते ही कुछ देख सकते हो गाइज, यहाँ पे डाउनलोडिंग फाइल होने लगी है, यानी सिंपली मेरा जो क्वेश्चन पेपर अब डाउनलोड हो रहा है। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा। तो गाइज आप देख सकते हैं, वो मेरी जो फाइल है, मैं आपको दिखा दूँ डाउनलोड कहाँ हुई। सिंपली आपको थ्री डॉट पे क्लिक करके डाउनलोड सेक्शन पे जाना है। तो गाइज आप देख सकते हो सीनियर सेकेंडरी अप्रैल 2023 .rar फाइल डाउनलोड हुई है। तो गाइज इसमें आपको कुछ नहीं करना, तो अभी आपको RAR फाइल को एक्स्ट्रा करना था, नहीं आता तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जो मैंने फाइल डाउनलोड करके आपको दी थी वो थी RAR फॉर्मेट में, अब हमें उसको एक्सट्रैक्ट करना है। तो हमें उसके लिए एक ऐप की ज़रूरत होगी, तो सिंपली आपको प्ले स्टोर पर आ जाना है, और प्ले स्टोर पर आपको सर्च करना है जेड अचीवर। तो सिंपली आपको ऐसा देखने को मिलेगा जेड अचीवर। तो गाइस मेरे पे इसका प्रो वर्जन है, तो मैं तो आपको उसमें करके दिखाऊंगा। अगर आप सिंपली आप उसका सिंपली वर्जन भी कर सकते हो, जैसे जेड अचीवर है, आप यहाँ पे सिंपली से इंस्टॉल कर लेना। तो मैं तो दोस्तों, अगर आपका ऐप इंस्टॉल हो जाता है, तो आपको सिंपली करना कुछ नहीं है। आप देख सकते हो ये वो ऐप, ये ऐप है जिसको मैंने अभी इंस्टॉल करके, जो मैंने आप इसी सिंपल जेड अचीवर में आपको करके दिखाता हूँ कैसे आप वो RAR फाइल को ओपन करोगे। तो सिंपली आप, अगर आपका एंड्रॉयड वर्जन 11 है, तो आपके सामने कुछ ऐसा परमिशन मांगने को बोलेगा, तो आप ओके डाल देना, ओके पे क्लिक करना, यहाँ से इसको परमिशन दे देना, ठीक है गाइस। तो परमिशन देते ही अब जो आपने RAR फाइल डाउनलोड करी थी वो आपके डाउनलोड फोल्डर में होगी। तो आपको सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करना है, देन उसके बाद आप देखना वो आपका RAR वाली फाइल कहाँ पे है। तो गाइस मैं अभी देख लेता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो वो फाइल जो हमने डाउनलोड की थी वो थी सेकेंडरी .rar, ये है वो फाइल। अब मैं इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट भी कर सकता हूँ, या डायरेक्ट मैं ओपन भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो गाइस अगर आप एक्सट्रैक्ट करोगे, तो फाइल आपके पूरे इसमें आ जाएगी, एक्सट्रैक्ट होगी तो कुछ वैसे बिखर जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आप सिंपली इस पर क्लिक करो, यहाँ से सीधे से व्यू करो, व्यू पे क्लिक करो, देन सीनियर सेकेंडरी पे फिर क्लिक करके अब आपको जिस भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर चाहिए, आप सिंपली उस पर क्लिक कर लो। तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे मैथ्स का, तो मैंने मैथमेटिक्स पे क्लिक किया, और आपको इसका जो ABC, आप इसमें आपको तीनों सेट मिल जाएंगे, और 2023 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है गाइस। तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ, ये मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे ओपन पे मैंने क्लिक किया, ये जो क्वेश्चन पेपर था आपके सामने यहाँ पे ओपन हो चुका है। ये सेट ए है, इसका कोड है आप देख सकते हो 211, और गाइज ये आपके सामने क्वेश्चन आ चुके हैं। तो गाइज आप अपने हिसाब से जितना भी आपने तैयारी करी उसको देख के, और इस
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगा के और अच्छी तैयारी कर सकते हो और अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ठीक है गाइस। और इसी देख सकते हो यहाँ पे सेक्शन ए ख़त्म, या इसका सेक्शन बी, सॉरी सेट बी स्टार्ट हो गया। सेट ए के ख़त्म होते ही सेट बी स्टार्ट हो चुका है। देन इसके बाद सेट सी भी गए इसमें है। तो गए सारे क्वेश्चन पेपर में तीनों सेट दे रखे हैं। तो यही था आज की वीडियो में, आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। लेकिन गाइस इस वीडियो पे कम से कम 100 लाइक तय करवाई दो, बहुत मेहनत लगती है आपके लिए। फ्री में सब कुछ कर रहा हूँ तो गाइस आप इतना तो कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।